जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है विकास के क्या नियम हैं और क्या सिद्धांत हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमने पिछले वीडियो में विकास की अवस्थाओं पर चर्चा किया था और साथ साथ बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इस पर भी चर्चा किया था। आप सब भी देखे हुए थे। जो साथी हमारे वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं विकास के कौन कौन से नियम हैं, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि विकास के नियमों सिद्धांतों को समझने का सबसे बड़ा जो लाभ है वह यह है कि शिक्षक अपने छात्रों की शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं का सही ढंग से मूल्यांकन कर लेता है, ठीक ढंग से मूल्यांकन कर लेता है और उस मूल्यांकन के फलस्वरूप एक समुचित निर्देशन कर सकता है। तो एक अच्छे मूल्यांकन के लिए बालकों के और एक अच्छे निर्देशन के लिए, परामर्श के लिए कि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास कैसा हो, इसके लिए विकास की अवस्थाएं और विकास के नियम सिद्धांत को समझना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जहां तक विकास की बात है तो विकास जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक, जब तक जीवन रहता है तब तक होता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में परिवर्तन भी होता है, लेकिन जो यहां पर हमको चर्चा करना है विशेष रूप से, जो विकास ध्यान दिया जाता है वह है जन्म से प्रौढ़ावस्था तक। इस पे सभी मनोवैज्ञानिक चर्चा करते हैं। हमको भी जन्म से प्रौढ़ावस्था तक विकास का अध्ययन करना है और उसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, उस पे चर्चा करनी है। सबसे जो विशेष बातें हैं विकास से संबंधित उसको हम इंगित कर देते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक विशेषता यह है। और साथ साथ दूसरी जो विशेषता है वह है बालक का विकास लंबवत न होकर, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है मतलब कि विकास कोई एक दिशा में ना होकर लंबाई चौड़ाई मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से होता है, मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है, चारों तरफ वर्तुल गोलाई में होता है, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद जो हमको समझना है वह है विकास के कौन कौन से नियम है। विकास के नियम जिस पे चर्चा हमको करनी है, कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले जो विकास के नियम की बात आती है वह है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। विकास
अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये विशेष बात है और पहला ही हम कह सकते हैं, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, अर्थात इसमें सभी अवस्थाएं आती हैं। सभी अवस्थाओं का मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था प्रमुख अवस्थाएं हैं। अगर हम इसको भी पार्ट में बांटने का प्रयास करते हैं तो शैशवावस्था में नवजात शिशु अवस्था भी अलग हो जाती है, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है, और किशोरावस्था में भी पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था आ जाती है। इसी बीच में उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच में एक वह संधि की अवस्था होती है, उसको भी हम समझ सकते हैं। यहां पर विकास की अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यह भी एक नियम है, और इसमें यह बताया जाता है कि सभी अवस्थाओं का अपना मानक होता है, विशेषताएं होती हैं, और सभी अवस्थाएं अगली अवस्था के लिए आधार का काम करती हैं, अगली अवस्थाओं के लिए तैयार करती हैं। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं वो आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। ये विकास का पहला नियम है, सिद्धांत है। इसके बाद हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। सभी अवस्थाएं अगली अवस्था के लिए आधार का काम करती हैं, तैयार करती हैं, और सबकी अपनी विशेषताएं हैं। ये है पहला नियम। दूसरा, विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है, ये दूसरा नियम है। इसमें परिपक्वता और अधिगम दो बातें आ रही हैं। परिपक्वता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। परिपक्वता वंशानुक्रम संबंधी शारीरिक गुणों और उसकी क्षमताओं का विकास है, ये ध्यान देना है, शारीरिक गुणों और क्षमताओं का विकास है। किसका? वंशानुक्रम संबंधी। और अधिगम किसको कहेंगे? यह अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील, प्रगतिपूर्ण, अस्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, और परिपक्वता अधिगम के लिए नींव तैयार करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वता और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप, दोनों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप यह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वातावरण और परिपक्वता, परिपक्वता और अधिगम, ये सब ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकास का कार्य आगे बढ़ता है। हमको ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, वातावरण परिपक्वता, अधिगम परिपक्वता का क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही विकास का कार्य पूर्ण होता है। अगला जो नियम है वह है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। विकास के प्रतिमानों की
भविष्यवाणी संभव है। जो विकास के लक्षण दिखते हैं वो शारीरिक विकास हो मानसिक विकास हो, उसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास जो होता है उसमें दो नियम कार्य करते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसमें दो नियम हैं, शिराभिमुख या सिर पदाभिमुख, इसी में हम बढ़ा देते हैं, सिर पदाभिमुख, और दूसरा जो नियम है वह है सन्निकट दूरस्थ, सन्निकट दूरस्थ दिशा, ये दो नियम है। इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, इसका मतलब होता है निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। अब ये जो भविष्यवाणी होती है यह है सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, अर्थात जो विकास होता है वह सबसे पहले सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर धीरे धीरे पैर का होता है। सन्निकट दूर, सबसे पहले निकट जो सुषुम्ना नाड़ी है अर्थात पेट के ऊपरी भाग से शुरू होता है, फिर धड़ से होते हुए भुजाओं में होता है, हाथ पैर में होता है, और लास्ट में उंगलियों में होता है। भविष्यवाणी कैसे संभव है? अगर प्रारंभ में यह विकास जो ये दिया गया है, यह विकास अगर तीव्र गति से हो रहा है प्रारंभिक अवस्था अर्थात शैशव अवस्था में, तो उससे एक भविष्यवाणी हो जाती है कि आगे विकास तीव्र गति से ही होगा। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध में भी सिद्ध किया है। बालक इन भविष्यवाणी के द्वारा बालक को तैयार किया जा सकता है, उसकी जो समस्याएं है उसका समाधान करते हुए एक भविष्य में रूपरेखा तैयार की जा सकती है कि बालक किस दिशा में जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। ये लाभ होता है, अर्थात बालक के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। ये हमारा तीसरा नियम है। इसके बाद चौथा नियम आता है। चौथा नियम बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम में होता है, इसका मतलब विकास जो होता है उसके क्रम निश्चित होते हैं। जो सिर पदाभिमुख और सन्निकट दूरस्थ दो सिद्धांत, दो नियम अभी हमने देखा, उसमें ये बताया गया है कि पहले एक क्रियाकलाप पूर्ण हो जाता है और उसके बाद तब दूसरा क्रियाकलाप प्रारंभ होता है। सिर विकसित हो जाता है, फिर धड़ विकसित होता है, फिर हाथ पैर विकसित होते हैं, पैर विकसित होते हैं। एक के पूरा होने के पश्चात ही दूसरा
पूर्ण विकसित होता है। उसी प्रकार से पहले पेट सन्निकट दूरस्थ दिशा के हिसाब से देखते हैं, पहले पेट विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा, फिर भुजाएं विकसित होगी और लास्ट में उंगलियां विकसित होगी। यही निश्चित क्रम अगर हम बालक के अवस्थाओं के हिसाब से देखें, उनके क्रियाकलापों के हिसाब से, पहले बालक बैठना प्रारंभ करता है, वो अच्छे से सीख जाता है, फिर खड़ा होना प्रारंभ करता है, वो अच्छे से सीख जाता है, फिर चलना प्रारंभ करता है, ये उसका शारीरिक विकास क्रियाकलाप होता है। फिर अगर हम मानसिक विकास के हिसाब से देखते हैं, भाषा का विकास देखते हैं, तो पहले वर्ण आता है, वर्ण सीखने के पश्चात फिर शब्द आते हैं, शब्द के पश्चात फिर वाक्य बनाना सीखते हैं और धीरे धीरे बड़े वाक्य बनाना सीख जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इसके बाद पांचवा सिद्धांत आता है, पांचवा सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। होता है कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, इसको दिमाग में रखना है क्योंकि इसमें भ्रमित हो जाते हैं। एक ये प्रश्न अवश्य आता है और दूसरा प्रश्न विकास सिर से पैर की तरफ होता है कि पैर से सिर की तरफ होता है, निकट से दूर होता है, दूर से निकट होता है, इस पे ध्यान देना है और भ्रमित नहीं होना है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब यह है कि पहले सामान्य क्रियाकलाप होता है, सामान्य चीजें विकसित होती हैं, फिर विशिष्ट चीजें, विशिष्ट विकास होता है। शारीरिक विकास में अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले कोई चीज पकड़ने के लिए बालक अपना पूरा शरीर उसी में लगा देता है, फिर धीरे धीरे सामान्य से आगे बढ़ता है तो वो जब पूरा शरीर लगा देता था वह अपना हाथ लगाता है और हाथ लगा देता है, उसके बाद फिर और परिपक्वता आती है तो बालक उंगलियों से सामान पकड़ता है, कोई भी वस्तु उंगलियों से पकड़ता है। तो हम धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम मानसिक विकास पर ध्यान देते हैं तो मानसिक विकास में भी सबसे पहले बालक विशिष्ट संवेगों का प्रयोग नहीं करता है, वो हर चीज में रोता है अक्सर हम देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो जो उसका मानसिक विकास होता है वह अपने संवेगों में परिवर्तन लाता है। जब उसको रोना है तो वो रोएगा, जहां हंसना है तो हंसेगा, वो अपने संवेगों में परिवर्तन लाता है। तो मानसिक विकास के साथ साथ हमारे ये क्रियाकलाप बदलते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसके बाद अगला जो नियम है वह है विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में असमान होती है। विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में असमान होती है। विभिन्न अवस्थाओं में असमान गति होती है, इस पे भी विद्वानों ने शोध किया है और पाया है कि जहां जन्म में, जन्म के पूर्व विकास बहुत तीव्र गति से होता था और जन्म के बाद एक वर्ष के पश्चात शारीरिक विकास धीमे गति से होता है। जन्म पूर्व तीव्र गति से शरीर का विकास होता था और जन्म के एक वर्ष बाद यह गति धीमी हो जाती, लेकिन फिर बाल्यावस्था पार करते करते उत्तरावस्था से विकास
तीव्रता में वृद्धि होती है और किशोरावस्था में यह तेज हो जाता है। ये शारीरिक विकास हुआ। अगर हम मानसिक विकास देखते हैं तो बाल्यावस्था में सृजनात्मक कला सृजनात्मकता तीव्रता पकड़ती है, शैशवावस्था में शून्य रहती है और वही जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वह अपने चरम पर पहुंच जाती है। संवेगात्मक विकास भी धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक की गति जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक जो विकास होते हैं, सामाजिक विकास जो होते हैं, भाषा का विकास होता है, सभी प्रकार के विकास समान गति से न होकर असमान गति से होते हैं। सातवां जो नियम है वह है विकास निरंतर होता है। हमने पहले ही यह बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक चलने वाली, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो विकास होता है क्रंदन से शुरू होता है। हम कह सकते हैं जब बालक जन्म लेता है तो वह क्रंदन से शुरुआत करता है और धीरे धीरे भाषा का विकास सीख लेता है। दांत हम 6 महीने 7 महीने पे देखते हैं लेकिन उनका विकास जन्म के समय ही हो जाता है। जन्म के समय से ही दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यही नहीं, अगर हम उनके संवेगों का ध्यान में रखें तो ऐसा नहीं है कि उनके जो संवेग हैं वो एकाएक आ जाते हैं, बल्कि उनके अंदर वो विद्यमान रहते हैं और धीरे धीरे वो अपने समय पर सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ये विकास निरंतर चलता रहता है और अपने अपने समय पर वह निकलता है। किशोरावस्था में तनाव होता है, बाल्यावस्था में बालक नकारात्मक व्यवहार करता है, अभिभावक परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे समय पर होता है। बालकों में बालिकाओं में ये क्रिया स्वतः होती रहती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती बल्कि इसको समझने की जरूरत है और उसके अनुसार व्यवस्था करने की, विकास के अवसर देने की जरूरत होती है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नियम है विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। वैयक्तिक भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि जो विकास के प्रतिमान है उसमें सब में एक रूपता होती है। एक ही उम्र के दो बालकों में उनकी शारीरिक बनावट, उनकी मानसिक स्थिति असमान होती है। क्यों? क्योंकि उनके भोजन, उनका वातावरण, उनका वंशानुक्रम, उनका स्वास्थ्य, ये सब ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा किया भी था। वो सब कारक जो वंशानुगत हैं, जो वातावरणीय हैं, जो सामाजिक हैं, वो सब कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए विकास की जो गति है वो सब में असमान होती है और वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। इसके बाद हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, वह है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है। विकास के
विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है। कैसा सहसंबंध पाया जाता है? शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर सामाजिक विकास होता है तो नैतिक विकास स्वतः हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एक विकास की क्रिया अच्छी होती है तो दूसरा भी विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अगर अच्छा है, व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास अच्छा है, तो मानसिक विकास भी अच्छा होता है। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। हम सामाजिक विकास अगर अच्छा से कर देते हैं तो नैतिक विकास स्वतः अच्छा हो जाता है। तो ये भी विकास का एक नियम है। इसके बाद अगला नियम है, हम यहां लिख देते हैं, अगला नियम, विकास प्रतिमानों में स्थिरता। प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। एक नियम है, प्रतिमानों में स्थिरता कैसे पाई जाती है? अगर बालक लंबे हैं, जो शुरुआती दौर में जो लंबे हैं, जो शैशवावस्था में लंबे हैं, तो वो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में भी लंबे रहेंगे, ऐसा विद्वानों ने सिद्ध किया है। अगर बालक का मानसिक विकास शुरुआती दौर में अच्छा चल रहा है तो वयस्क होने पर भी उनका मानसिक विकास अच्छा होगा, उनकी बुद्धिलब्धि अच्छी होगी। जो बालक शुरुआती दौर में अपने बाल्यावस्था शैशवावस्था में तेज होते हैं, वह वयस्क होने पर भी तेज रहते हैं। वह बालक वयस्क जब होता है, पूरा विकसित हो जाता है, तो अन्य की अपेक्षा उनकी बुद्धिलब्धि तेज अधिक रहती है, ऐसा माना जाता है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता होती है। हमारा ग्रहवा और अंतिम नियम जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया हुआ है, प्रत्येक विकास की अवस्था के विशिष्ट गुण होते हैं। प्रत्येक विकास अवस्थाओं के विशिष्ट गुण होते हैं। इसके मतलब यह है कि बालक के जो गुण होते हैं वो प्रत्येक अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी अवस्थाओं में एक ही गुण विद्यमान हो। जैसे अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था में जो लड़के हों या लड़कियां हों, वो आपस में अपने समकक्षी समलैंगिक भाव अधिक होता है। लड़के लड़के के साथ खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था किशोरावस्था में पहुंचते हैं, वयसंध्य में पहुंचते हैं, तो वहीं एक दूसरे के विपरीत लिंगों में उनका व्यवहार बदल जाता है। वो अपने ही लिंग में ना होकर अलग लैंगिक समूह में जाना पसंद करते हैं, उनको उनके साथ रहना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में ये विशेष रूप से होता है। वो आकर्षण बदल कर अगले अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जहां वयसंध्य में कामुकता का भाव होता है, वह बाल्यावस्था और
किशोरावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में और बढ़ जाता है। 3 वर्ष के बालक में नकारात्मक का भाव अधिक होता है, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ऐसे गुण नहीं होते। जहां समूह की भावना बाल्यावस्था में पाई जाती है वह किशोरावस्था में नहीं होती है। ऐसे ही बहुत से गुण हैं, बहुत से क्रियाएं हैं जो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में अलग अलग हमको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हम विकास के कुल 11 नियमों को लेकर प्रस्तुत हुए। अलग अलग मनोवैज्ञानिक और अलग अलग पुस्तकों में नियमों में अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कई किताबों से इन नियमों को एकत्रित करके 11 नियमों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए। किसी पुस्तक में 5 नियम, किसी में 6 नियम, लेकिन ये जो नियम सिद्धांत बताए गए इसमें सभी नियम समाहित हैं और परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न बनकर आपके सामने प्रस्तुत होता है। इसमें जो नियम बताए गए, सबसे पहला हम रिवीजन करते हैं, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, एक दूसरे अवस्थाएं आधार का काम करती हैं, परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप विकास संपन्न होता है, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी करना संभव है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पूछा भी गया है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, सिर से पैर की तरफ, निकट से दूर की तरफ, ये 2 नियम ध्यान में रखना है। विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में असमान होती है, घटती बढ़ती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वैयक्तिक विभिन्नता भी पाई जाती है विकास में, सभी क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है और विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। लास्ट जो नियम था, विकास अवस्थाओं में विशिष्ट गुण होते हैं। एक प्रश्न और आता है, बाल मनोविज्ञान श्रीमती हरलाक अक्सर ये मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आते हैं, ये श्रीमती हरलाक हैं, बालकों के ऊपर इनका बहुत सारा शोध हुआ है, इनकी पुस्तक का नाम है बाल मनोविज्ञान, भूलना नहीं है, बाल मनोविज्ञान इनकी पुस्तक का नाम है। इसको लिखा है श्रीमती हरलाक ने, इन्होंने बताया है कि जन्म के समय बालक की जो ऊंचाई होती है वह 19 से 20 इंच होती है और उनका वजन 7 से 8 पाउंड होता है जन्म के समय। तो ये विकास के महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत रहे हैं। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया विकास है जो लंबवत न होकर वर्तुलाकार होती है। हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।